मेरी तरफ से शुक्रिया। इंशाल्लाह हम मिलजुल कर आगे आज भी काम करेंगे और हम पीआरएस पार्टी को कामयाब करेंगे। एक हदीस मुझे याद आती है, लन शुक्रकुम वयन यजीदकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं और मजीद अता करूँगा, यही है ना। तो अल्लाह ताला ने हमको शुक्र करने वालों को मजीद अता करने का वादा किया है। हमारे चीफ मिनिस्टर ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमको शुक्र अदा करने की जरूरत है। अल्लाह ताला मजीद हमें अता करेंगे। और अभी जो ऐलान करें कि सीआर साहब के सबका नल का बिल माफ हो चुका है, किसी को भी 20,000 लीटर से ज्यादा यूज करे तो ही बिल आएगा, नहीं तो नल का बिल किसको भी नहीं आता। और हजाम का और धोबी का लाइट का बिल भी माफ हो गया। दिसंबर तक, मार्च से दिसंबर तक जो लॉकडाउन के पीरियड का जितने भी गाड़ियों के टैक्स थे सब टैक्स माफ हो गए पूरे। उसके अलावा और भी दूसरे कई एक रियायतें दी है हुकूमत, वो आपको मालूम होगा। इसके अलावा जो ऐलान नहीं की वो भी पीआरएस पार्टी करेंगी। पीआरएस पार्टी या केसीआर साहब को मांगने की, बोलने की, बताने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं शादी मुबारक कोई नहीं मांगे थे अपने से, ना ये मैनिफेस्टो में था। 50,000 दिए, फिर लोग शुक्रिया अदा करे उन्होंने 75,000 दिए, फिर लोग शुक्रिया अदा करे उन्होंने 1,00,000 रुपए दिए। ऐसा तो ये शुक्र करने से अल्लाह ताला की जानिब से उनको हिदायत मिली और उन्होंने वो हिदायत पे अमल करे। तो हमको मजीद शुक्र वोट की शिकल में अदा करना है इंशाल्लाह। मजीद हमारे शास्त्रीपुरम, बीकेपुरम, ये तमाम जो इलाके हैं, शमा कॉलोनी, मोहम्मदिया कॉलोनी, तमाम में तरक्की होंगी। शुक्रिया। जय करें।